नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस में आज हम करें अपना अगला पार्ट एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन सेकंड और थर्ड को देख लिया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बस अगर आपको बेसिक पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पवन एकेडमी के साथ साथ अनएकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ और वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन एनटीएससी कैटेगरी में। लेकिन आप लोग तो आईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चे आईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, वो अनएकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके लिए प्लस भी सब्सक्रिप्शन है और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। दोनों सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं और आपको जो बेटर लगता है वो ले सकते हैं। साथ ही में पवन वाग रिफरल कोड अगर आप यूज करते हैं तो वहां आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, क्या देख के रखा है यहाँ पर? फाइंड के, हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ क्वेश्चन ये क्या बोलता है? सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। देखिए, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। मतलब देखो, समझ लो, आपको जो सम ऑफ स्लोप्स है, स्लोप का जो सम है, दैट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। ओके, एक्सक्यूज मी, तो यहां लिखिए गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर एंड वो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि सम ऑफ द स्लोप्स जो है इट इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो ट्वाइस प्रोडक्ट एम वन एंड एम टू, आपको यह लिखना है कि ये मैंने यहां पर ये एंड हटा दो, इसको मैं लाइन लिख लेता हूं। यहां लिखिए सपोज द स्लोप्स ऑफ लाइंस इज एम वन एंड एम टू, और ये जो ऊपर लाइन देके रखी है इसको हमको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो आपका ए क्या आ रहा है भाई? ए आपका वन आ रहा है। टू एच क्या आ रहा है? टू एच आपका के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। टू एच किसके इक्वल आ रहा है? के इक्वल आ रहा है। और बी किसके इक्वल आ रहा है? माइनस थ्री के इक्वल आ रहा है। आप जानते हैं कि m1 प्लस m2 क्या होता है बेटा? m1 प्लस m2 दैट इज माइनस टू एच अपॉन बी, ठीक है ना। तो माइनस टू एच मतलब माइनस के अपॉन बी, ये कितना हो गया? m1 प्लस m2 आपका माइनस के अपॉन बी, तो माइनस थ्री हो गया। तो m1 प्लस m2 आपका के अपॉन थ्री हो गया, पहला काम। फिर क्या बोलता है? प्रोडक्ट क्या है? m1 इंटू m2 किसके इक्वल होता है? वो के अपॉन बी के इक्वल होता है, वन अपॉन माइनस थ्री के इक्वल होता है। तो m1 upon m2 minus 1 upon 3 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? m1 plus m2 के वैल्यू k upon 3 लिख दो, ठीक है। तो m1 m2 की वैल्यू minus 1 upon 3 लिख दो, तो 3 से 3 तो कट गया, तो k आपका आ गया माइनस का 2, ठीक है। ये आपका k का वैल्यू होगी, ठीक है। बस इतना ही करना था भैया, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, इजी सा है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब इन क्वेश्चंस में आपको जो तीनों चारों क्वेश्चन दिए, सब जगह आपको के ही निकालना है, तो फटाफट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं उसका। ये फर्स्ट वाला किया हमने, दिस इज द फर्स्ट वन। इसमें सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं, तीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, मैं इसको रिस करके अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आइए दोस्तों, इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देख रखा है फाइंड के, तो ऐसा ही रहेगा, हमको के की वैल्यू निकालनी है। स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिफर बाय 4। मतलब जो स्लोप्स है m1 m2 इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं कि जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? वो 4 के इक्वल है। अब देखो यहां पर जो हमको लिखना है, यहां लिखो कि द इक्वेशन ऑफ लाइंस, द इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहां लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी वाई स्क्वायर। इससे कंपेयर करो, कंपेयरिंग करने में क्या आएगा? आपको यहां पर दिखेगा कि एक ही जगह पर भैया आपका 3 है, आपको दिखेगा 2h की जगह आपका k है, और आपको दिखेगा यहां पर दैट इज b की जगह पर आपका माइनस 1 है। तीन वैल्यूज आपके पास है। यहां लिखिए कि स्लोप्स ऑफ द लाइंस,
suppose slopes of the lines represented by इसी equation को लिख लो, that is 3x square kxy minus y square is equals to 0 are m1 and m2, दो slopes है और उनका डिफरेंस क्या देके रखा है हमको, 4 देके रखा है, क्या देके रखा है ये लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 माइनस m2 जो है 4 के इक्वल। अब देखो मुझे, मैंने स्लोप सपोज कर लिया, ये हमारे पास में है, लेकिन इसकी मदद से हम क्या करते हैं, पहले हम m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 निकालेंगे, तो सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है -2h अपॉन b और m1 इंटू m2 होता है दैट इज a अपॉन b, तो वैल्यू निकाल लो। अब देखो m1 प्लस m2 क्या होगा, m1 प्लस m2 जो है ना बेटा, यहां पर आपको सम ऑफ रूट्स में -2 अपॉन b लिखना है, -2h अपॉन b, तो आपका m1 प्लस m2 होता है माइनस में, 2h की जगह पर k है और b की जगह पर आपका -1 है, तो आपका m1 प्लस m2 जो है ना बेटा वो सिर्फ k हो जाता है, और m1 इंटू m2 क्या होगा, a अपॉन b, तो 3 अपॉन -1, तो m1 इंटू m2 आपका क्या होगा 3 अपॉन -1 मतलब -3। अब इन वैल्यूज को अपने को यहां यूज करना है, देखो बेटा ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है दैट इज m1 माइनस m2, ये जो 4 आपको देके रखा है, इसके अंदर ना थोड़ा सा एक समझने वाली बात है, हमारे पास तो सम है और प्रोडक्ट है, सब्ट्रैक्ट देके रखा है, तो आपको याद होगा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट किया था अल्फा प्लस बीटा का होली स्क्वायर, जब आप निकालते थे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स में, कभी कभी आपको ए माइनस बी को भी ए प्लस बी और ए इंटू बी के फॉर्म में लिखना होता था। तो देखो मैं आपको बात बताता हूँ, अगर मेरे पास में ए माइनस बी है तो मैंने अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मिलेगा ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, अब देखो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, मुझे सम के रूप में लाना है ना, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, अगर इस 2ab को मैं इधर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आप इस क्वेश्चन में इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहां पर पुट कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab और ये भी माइनस में 2ab, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल हो गया, तो अब जैसे ये इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो आप इसको भी स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, m1 माइनस m2 का स्क्वायर कर दो और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। इसकी जगह पर आपको ये लिखना है, क्या लिखना है इसकी जगह आपको, आपको लिखना है m1 प्लस m2 का स्क्वायर लाइक दिस, -4m1m2 इज इक्वल टू 16, ठीक है, m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या है k, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा -4, m1 m2 का वैल्यू क्या है -3 है तो -3 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो k स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये हो जाएगा 12 के इक्वल, 4 3 12 -+ ये 16 हो गया, यहां क्या होगा k स्क्वायर इक्वल होगा दैट इज 16 -12, देखो ये प्लस का 12 है ना, इधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, k स्क्वायर 4 आएगा तो k आपका होगा +-2, दिस इज योर आंसर। बस भैया अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे से आता था तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे, इसमें कुछ नहीं है सर, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देख रखा है, स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस, ओके एक लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8, मतलब एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से 8 ज्यादा है, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें पहले लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरी का m1 प्लस 8 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले यहां पर लिखो द इक्वेशन ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, जो इक्वेशन है वो लिख दो, kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पहली बात। दूसरी बात हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस y स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ये b रही जाता है
ओके इसकी इक्वल टू जीरो, तो आपका यहाँ पर कंपेयर करने से ए का वैल्यू के आ जाएगा, 2H का वैल्यू 4 आ जाएगा और बी का वैल्यू -4 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां लिखो स्लोप्स ऑफ द लाइन्स, स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन आर m1 एंड m2। तो सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है, -2H अपॉन बी होता है, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है, a अपॉन बी होता है। तो -2H अपॉन बी, तो -2H अपॉन बी मतलब -2H अपॉन -4, ठीक है। तो ये 4 अपॉन -4 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा ये। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, -4 अपॉन अगेन -4, तो m1 प्लस m2 क्या आ गया, 1 आ गया। और m1 m2 क्या आ गया बेटा, m1 m2 है दैट इज k अपॉन -1, k अपॉन, ये यहां पर 4 नहीं है यार, ये 4 नहीं है, इट इज -1 नॉट 4, क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे नहीं होता, ये है -1, ठीक है ना, ये क्या है, ये -1 है, तो 4 के अपॉन में ये माइनस का माइनस, 2h का 4 आ गया, ठीक है, और b की जगह पर -1 आ गया, तो m1 प्लस m2 आपका 4 हो गया, माइनस माइनस कर दिया, और यहाँ m1 m2 a अपॉन b है, तो a अपॉन b मतलब k अपॉन -1, k अपॉन -1, तो आपका m1 m2 क्या हो गया, माइनस का k हो गया। अब आपको क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देके रखा है, दैट इज m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8, ठीक है, सो दैट यहां क्या होगा, यहां m1 प्लस m2 4 देके रखा, तो m1 पर m1 ही लगो, m2 की जगह अगेन m1 प्लस 8 रखो, और ये क्या है, ये 4 रखो, ये r को उधर भेज दो, ये 2m1, 4 में से 8 गया, तो 2m1 -4 आया, तो m1 -4 अपॉन 2, तो m1 -2 आ गया, एक काम हो गया। दूसरा अगर हम प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट क्या है, m1 इंटू m2 आपका है -k के इक्वल, तो -k लिख लो, m1 m2 क्या है, ये m1 का m1 है और ये m1 प्लस 8 है और ये माइनस का k है, तो ये कितना है, ये -2 है और ये -2 प्लस 8 है, ये माइनस का k, तो -2 इंटू 6 ये माइनस का k होगा, तो माइनस का k किसके इक्वल है, 6 × 12 के, तो k आएगा भैया 12, है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस तरीके से समझो और करते चले जाओ, है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 4x प्लस 5y कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस। भाई देखो हमको एक इक्वेशन देके रखी है, ये तो जॉइंट इक्वेशन है, अभी जॉइंट इक्वेशन कैसी है, जब भी जॉइंट इक्वेशन बन गया बोलती है दो लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये इस लाइन का इक्वेशन ये है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है, ओके द लाइन दिस 4x प्लस 5y, ये जो लाइन है 4x प्लस 5y, ये इनमें से किसी एक लाइन को कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक आना, जैसे मेरी उंगली है इसके ऊपर दूसरी उंगली आ गई, ये कोइंसाइड हो गई, ठीक है, ये कोइंसाइड हो गया, लाइक ये जितने पेन है मैंने पकड़ के रखे ये सारे कोइंसाइड कर रहे हैं, देखो एक के ऊपर एक है, ठीक है ना, तो ये कोइंसिडेंट रेस आपने पढ़ा था ना, आपने 10th पे किया था, देखो हम करते थे 10th पे कि भाई अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो हम बोलते थे कि वन यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, हम बोलते थे वन यूनिक सॉल्यूशन होता है, फिर हम बोलते थे कि लाइन पैरेलल है तो हम बोलते थे नो सॉल्यूशन, ठीक है, और हमने ये भी किया है कि लाइन अगर कोइंसाइड कर दे एक के ऊपर एक आ जाए तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे, है ना, तो यहाँ मेनी सॉल्यूशन हमने किया ही है 10th में, है ना। अब मुझे एक बात बताओ यार, जैसे हम इसकी बात करते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल है मतलब क्या कि ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये दो लाइन ऐसे जा रही है, अगर इसका स्लोप अगर मैंने m1 लिया तो इसका स्लोप भी m1 ही होगा, स्लोप तो इक्वल होता है पैरेलल लाइंस के। अच्छा कोइंसिडेंट लाइंस अगर कर दूं तो मैं इस m1 के ऊपर ही एक लाइन ही बना दूं ऐसी, और मैं बोलूं ये कोइंसिडेंट रे लाइन है, तो ये जो ब्लू लाइन बनी इसका स्लोप भी तो m1 ही होगा, वही है, वही तो है, देखो ये दोनों का स्लोप जैसा एक है
तो ये एक लाइन M1 है, M1 के ऊपर दूसरी लाइन मैंने जो बनाई है ब्लू वाली, उसका स्लोप भी वही आएगा, स्लोप बदलेगा नहीं। तो कोइंसिडेंट जो लाइंस होती है उनका स्लोप सेम होता है। तो हमारे पास में इस लाइन का देके रखा, हमें इस लाइन का देके रखा है ना, इस ये लाइन देके रखी जो कोइंसिडेंट है, तो मैं इसका स्लोप निकाल लूंगा, इसके इस, ये इसका स्लोप मिल जाएगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन देके रखी है, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पर ऑक्सिलरी जो इक्वेशन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां लिखते हैं the auxiliary equation of ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is bm square plus 2hm plus a is equal to 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर मैंने ये जो बेटा देखो, हमने मैंने बेसिक में भी बताया था आपको, ये अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब मेरे पास में यहां पर इस लाइन के हिसाब से मुझे m मिल जाएगा, मुझे बस m पुट करना है ना, मुझे बस m पुट करना, 2h तो ऐसा कैसे रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहां लिखो दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 इज क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b होता है। तो m क्या हो जाएगा, माइनस a क्या, माइनस चार अपॉन पांच हो गया, है ना, बस ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर इसमें। तो ये b का b, b को आप रखो, b को b रखो, m स्क्वायर की जगह रखो माइनस फोर अपॉन फाइव का स्क्वायर, ये 2h, m की जगह अगेन माइनस फोर अपॉन फाइव, और ये a का a और ये जीरो, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है b का b, माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 25, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 4 टू 8 अपॉन 5 एच प्लस का a इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं भाई, 25 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में तो हो जाएगा 25 इंटू 16 अपॉन 25 बी, 25 इंटू 8 अपॉन 5 एच और 25 इंटू ए इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा 16b माइनस 8 अपॉन 40 एच प्लस 25a इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे 25a प्लस 16b माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, ठीक है ना। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, बाकी की चीजें मैं इरेज नहीं करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं इरेज कर देता हूँ, ये m की वैल्यू को इरेज कर देता हूँ, बाकी का सारा इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब जरा क्वेश्चन क्या है वो पहले समझ लो, ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट द लाइन, ओके द लाइन दैट इज 3x plus 5y इक्वल टू 0 मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय। अब इसमें से किसी एक लाइन के ऊपर ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर है यार, ऐसी परपेंडिकुलर हो गई है। ये क्या देखे रहे कि लेट से कि इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन x प्लस 3x plus y इक्वल टू 0, तो यार इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस 3 होगा। अगर इसका स्लोप माइनस 3 है तो आप जानते हैं कि m1 into m2 minus 1 के इक्वल होता है, अगर ये हो जाए तो, अगर इसका स्लोप मैं m2 ले लूं तो वो क्या होगा m2, और ये हो जाएगा माइनस 3, तो ये क्या होगा माइनस 1, तो m2 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 3। तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या आएगा आपका, ये स्लोप आ जाएगा 1 अपॉन 3, ठीक है ना। बस उस स्लोप को आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका स्लोप लिख लो पहले, दैट इज द स्लोप ऑफ द, ये जो मेन लाइन क्या देखे रखिए, ये लाइन जो है इसकी में से किसी एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैंने परपेंडिकुलर लगा दिया है ना, और ये हमको मेन इक्वेशन देखे, तो ये लाइन तो लिखते हैं आपको, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द 2x² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू दिस, द स्लोप ऑफ द लाइन, अब जो लाइन हमारे पास में दैट इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 0 इज, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप देके रखा है हमारे पास में, इसका स्लोप जो होगा दैट इज m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1, तो m हमारे पास में क्या हो गया, माइनस 3 हो गया, इसको आप भले ही m1 दे दो। तो यहां पर लिखो दैट द स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइन्स, ओके द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन दिस, द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू 3x plus y is equals to 0 is
दैट इज 1/3। आप चाहे तो वो वाला पार्ट जो मैंने लिखा है ये आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ये 1/3 हो गया। अब आपकी जो मेन इक्वेशन है इसके अंदर ना, इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना, इस इक्वेशन के अंदर आपको बची हुई वैल्यू पुट कर देना है। लिखो यहाँ पर कि बी एम स्क्वेयर प्लस टू एच एम प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो b का b ये 1/3 का स्क्वायर, 2h का 2h ये 1/3 और a का a इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा भाई, ठीक है, ये पार्ट को रहने दो ऐसे कैसे, मैं यहाँ पर इसका कर लेता हूँ, b का b 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2h/3 प्लस a का a इज इक्वल टू जीरो, a/1 कर दो। एक काम करते हैं, यहाँ पर सभी जगह पर 9 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा, तो आएगा b प्लस 3 2 6h प्लस 9a इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया 9a प्लस b प्लस 6h इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, आपको नीचे लिखना है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या देके रखा है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा आपने किया था, जहां आपको देके रखा था 3x plus y परपेंडिकुलर था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। देखिए क्या है, इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इज परपेंडिकुलर टू द px plus qy is equal to 0, show that this, हमने रिक्वायर्ड कंडीशन लाई थी ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो दो लाइंस है वो ऐसी है, ठीक है ना, और इसमें से एक लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, इसमें से एक लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो लाइन है ना इसमें से एक लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन है, ये है px plus qy। अब इसका स्लोप निकालेंगे, वो क्या होगा, इसका स्लोप होगा m1 is equal to, या m is equal to minus p/q। तो भैया आपको याद है कि यहां पर जो स्लोप हम लेते हैं कि पहले वाले का स्लोप आ गया -p/q, दूसरे का स्लोप निकालना है -1 है, तो m किसके इक्वल आएगा, q/p के इक्वल आएगा, है ना, ये ऊपर चले जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द टू स्लोप्स इज ऑलवेज इक्वल टू -1, तो एक का स्लोप ये आ गया, दूसरे का स्लोप आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखो सबसे पहले दैट द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। आपको ये याद रखना भैया, इसी के ऊपर सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां लिखिए स्लोप ऑफ लाइन, ये जो देख के रखा है px plus qy is equal to 0 is, क्या है ये स्लोप, मैंने क्या निकाला था, -p/q होगा ना, इसका -p -a/b बोलते हैं ना, तो -p/q होगा, ओके। फिर यहां लिखिए सिंस वन ऑफ द लाइंस, वैसे का वैसे क्वेश्चन में जैसे दिए, वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, थोड़ा राइटिंग गंदा आ रहा है यार आज, वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू px plus qy is equals to 0, okay, so that the slope of that line क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, that will be equal to, मैं उसको यहां पर m ही लिख लेता हूं, that will be equal to -1/-p/q, तो कट जाएगा, ये हो जाएगा q/p, तो m आपका क्या आ जाएगा, q/p आएगा, ठीक है, ये आपका स्लोप हो गया। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है ना उसी के अंदर वैल्यू पुट कर दो, दिस इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू विल डू, एट द प्लेस ऑफ m यू विल पुट q/p, ओके, तो यहां पर b का b q/p का स्क्वायर 2h q/p प्लस a इज इक्वल टू 0, इट विल बी q^2/p^2 प्लस 2h q/p
प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि यहां पर जो अपॉन में स्क्वायर का होता है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक काम करो, यहाँ पी स्क्वायर से सभी जगह पर मल्टीप्लाई कर दो, सभी जगह पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये पी से पी कट जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर, यहाँ बचेगा टू एच पी क्यू, और ये बचेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर आया ए पी स्क्वायर, देखो ये ए पी स्क्वायर प्लस टू एच पी क्यू, टू एच पी क्यू और क्यू स्क्वायर, ये बी क्यू स्क्वायर बोल रहा है। तो b कहाँ गया? b, हाँ यहाँ b लिखा ही नहीं हमने, ये b लिख दो यहाँ पर, यहाँ b लिख दो, यहाँ पर आ गया b q square is equals to zero। ओके, hence proved। हो गया भाई, है सिंपल, थोड़ा सा ध्यान से करो, अच्छा सा है, मतलब जो पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इससे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत बढ़िया है, मतलब आपको मजा आ जाएगा। क्या देख रखा है? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ पेयर्स ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल इज विद विद द लाइन वाई इज इक्वल्स टू थ्री। देखो हमको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है पहली बात, फिर दूसरी बात वो ओरिजिन से जा रही है, तो ओरिजिन से जो जाती है उनका स्लोप क्या होता है? वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, सी नहीं होता वहां पर, और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही है वाई इज इक्वल्स टू थ्री से। देखो मैंने यहां पर एक्स एक्सिस बना के रखा है, ये ओरिजिन है, ये जो लाइन है देखो वाई पर थ्री से जा रही है, तो ये वाई इज इक्वल्स टू थ्री ये लाइन है, और ये देखो ये दो लाइन जो यहाँ पर ओरिजिन से जा रही है हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है। मुझे एक बात बताओ यार, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितने का होगा? 60 का होगा, ये एंगल भी कितने का होगा? 60 का होगा। अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये कितने का हो रहा है? ये 60 का हो रहा है, और ये दूसरा वाला एंगल कितने का हो रहा है? दूसरा वाला एंगल 120 डिग्री का हो रहा है, बराबर है भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बना रहा है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी, है ना, ए ओ बी यहां लिख देता हूं मैं। ओके, एज यहां लिखिए सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके वो तो हो गया, मैं यहां पर लिखता हूं, एक काम करते इसको लाइन एल दे दो, इसको लाइन एम दे दो। तो यहां पर टू लाइंस यहां लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइन L एंड लाइन M पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, एंड मेकिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ Y इज इक्वल टू थ्री। तो यहां पर जो पहली लाइन है स्लोप ऑफ लाइन L, देखो ध्यान से स्लोप ऑफ लाइन एल, अब ये सब 90 के होंगे हमको पता है ना, तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा, बिल्कुल 60 डिग्री क्यों आएगा? देखो यार ये जो 60 का, ये 60 का होगा, ये भी तो 60 का होगा इधर से, ठीक है ना, ये भी 60 का होगा, तो ये 60 का है, और ये पूरा जो देखा जाए तो पूरा 60 का है, ये 60 डिग्री बनेगा। अच्छा आपके मन में सवाल होगा सर 60 डिग्री कैसे? यार देखो ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये लाइन वाई इज इक्वल टू थ्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यहां लिखो, ऐसा लिखो कि लाइन y इज इक्वल टू थ्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है कि नहीं, ये x एक्सिस के पैरेलल, तो ये तो z बन रहा है z, तो ये 60 होगा ना, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है, तो लिख दो यहां लिख दो लाइन y इज पर पैरेलल, ओके, इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो दैट स्लोप ऑफ लाइन L is m is equals to tan 60 degree होगा। tan 60 कितना होता है? tan 60 कितना होता है? root 3 होता है। ये आपका स्लोप आ गया। तो आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन L is y is equal to mx, तो root 3x, या फिर और इसको ऐसे लिख सकते हैं root 3x minus y is equals to 0, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई भैया, पहला काम हो गया। दूसरा काम यहां पर आप देखो ध्यान से, ये जो है ये भी तो z बना रहा है, ये 60 का है तो ये एंगल कितने का होगा? 120 का होगा। फिर से वही बात, ये देखो ये 120 मैंने लिया ये वाला, ठीक है ना, यहां लिखो सिमिलरली स्लोप ऑफ लाइन m क्या होगा?
एम इज इक्वल टू टेन 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो मैं इसको लिख सकता हूं 120 को कि टेन 180 माइनस 60। टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है, तो माइनस टेन 60 हो जाएगा। तो m क्या आ जाएगा यहां पर, यहां आएगा रूट थ्री। तो इक्वेशन ऑफ लाइन m क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक्स, इसको जो लियो अंडर रूट थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइन्स ना, लिखो है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ वन एंड टू, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ वन एंड टू मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई, तो रूट ए प्लस बी माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दैट इज थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड लाइन। हो गया भैया, है ना, बड़ा सिंपल है, पर ये आपको बनाते आना चाहिए। अब ऐसा कुछ भी आ सकता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, तो आपको वो करते आना चाहिए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दे के रखा है, इफ द स्लोप्स ऑफ द वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इज फोर टाइम्स द अदर, क्या दे के रखा है, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन की स्लोप से फोर टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, गिवन बाय द इक्वेशन इज फोर टाइम्स द अदर, देन शो दैट 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab, ये हमको शो करना है, ठीक है ना, ये हमको शो करना है, तो आराम से हो जाएगा। यहां एक काम करो, यहां लिखो दैट गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यहां लिखो सपोज the slopes of lines given by ax square or the slopes of lines represented by the slopes of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 are M1 and M2। अच्छा यहां पर कंडीशन क्या देके रखी है कि एक का स्लोप दूसरे से ज्यादा है, तो M1 तो ठीक है, M1 है, लेकिन M2 क्या है, M2 है 4 टाइम्स M1। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन से देके रखा है कि पहले का दूसरे का जो स्लोप है पहले के स्लोप से 4 गुना है, ठीक है। अब यार ये तो हो गया, अब मैं इस इक्वेशन की मदद से, कौन सी इक्वेशन की मदद से, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की मदद से सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स निकालूंगा। तो मेरा सम ऑफ स्लोप्स क्या आएगा, m1 प्लस m2 क्या आएगा, ये आएगा माइनस 2h अपॉन b, और प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, m1 m2 क्या आएगा, m1 m2 मेरा आएगा, चलो अभी मत खींचो ये लाइन, इसको हम बाद में खींचेंगे, m1 m2 क्या आएगा, दैट इज a अपॉन b, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, आपका m2 की जगह 4m1 लिख दो, तो m1 का m1 ये 4m1 ये माइनस 2h अपॉन b, ये क्या हो गया, ये हो गया 5m1 माइनस 2h अपॉन b, तो m1 हो गया माइनस 2h अपॉन 5b, ठीक है, ये आपका m1 का वैल्यू हो गया। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर, तो पुट कर दो m1 का m1 इनटू इसकी जगह पर, इस M2 की जगह पर, पहले M2 की जगह आप क्या लिखोगे, 4 टाइम्स M1 लिखोगे, क्योंकि वो बता के रखा है कि M2 जो है वो 4 टाइम्स M1 के इक्वल है, इज इक्वल टू a अपॉन b, अब ये हो गया 4m1 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b, 4 का 4 m1 स्क्वायर मतलब 2h अपॉन 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b, तो ये 4 का 4 2 का स्क्वायर 4 h का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और ये b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ओके। तो अगर मैं यहां बी से बी को काट दू तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25b, इधर भेज दो तो 25ab हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25ab, क्या यही लाना है, यही लाना है, ये हमको प्रूफ करना था,
यहाँ ये भी रख दो, अगर b जो है 0 के इक्वल आ गया तो फिर m1 m2 m1 plus m2 m1 into m2 will not exist, ठीक है, b की वैल्यू के ऊपर सारा खेल होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर जो है ये हमको जो चाहिए था हम लेके आए, मतलब क्वेश्चन जैसा दिया है ना बेटा, बस फटाफट सॉल्व करो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही बढ़िया है। इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स और वाई होता है, और अगर ये इस एंगल को बाइसेक्ट करे, मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए, लेट्स से कि ये भी एक्स आ जाए ये भी एक्स आ जाए, तो भैया एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल तो 90 का है, तो हमारा एक्स किस 2x किसके इक्वल होगा, एक्स हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का, तो ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का, एक्स मत सपोज करो, इसको कुछ और सपोज करो ज्यादा बेटर होगा, इसको थीटा ही ले लो सही होगा, ठीक है, इसको थीटा ले लो सही होगा। तो थीटा कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है 45 डिग्री का यहाँ पर, ठीक है ना, पहला एंगल तो बन गया 45 का, इधर भी ये कितना बना रहा है, ये इधर भी 45 इधर भी 45 बना रहा है, ठीक है ना, कोई भी एक लाइन ना, दोनों लाइन नहीं है, ये क्या बोलता है, वन ऑफ द लाइंस कोई एक लाइन, ओके, गिवन बाय दिस इक्वेशन बाइसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, या तो ये लाइन या फिर ये लाइन, तो एक लाइन मिलेगी हमको, तो एक लाइन का स्लोप मिलेगा, तो हमको क्या लिखना है, पहले यहां पर लिखाओ, हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन को यूज करना है आगे चल के। अब आप इसको जब यूज करेंगे, जब आप इस इक्वेशन को जब आप यूज करेंगे तो इसके अंदर आपको m लाना है, तो m तो यहां से आप लाएंगे, थीटा आपको दिख रहा है 45, यहां लिखो कि द एंगल बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस, ओके, या ऐसा लिखो द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, लाइन एल और लाइन एम, तो यहां देखो कि इंक्लिनेशन मतलब आपका थीटा पहले केस में या तो कितना होगा 45 होगा, या फिर देखो ये 45 45 90 और ये 45, या तो ये 45 का होगा या फिर ये कितने का होगा, या फिर ये 135 का होगा, ओके, तो इंक्लिनेशन या तो ये होगा और इंक्लिनेशन विल बी 135 कोई भी एक, ओके, तो स्लोप क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा टेन 45, या फिर एम क्या हो जाएगा, यहां पर एम क्या हो जाएगा टेन 135, ठीक है, टेन 135 होगा, उससे क्या होगा टेन 45 क्या होगा, एम आपका क्या हो जाएगा, एक तो या तो एम आपका 1 हो जाएगा, या फिर यहां m क्या होगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा tan 180 माइनस 45, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो tan 45, तो ये माइनस का ये 1 आएगा, मतलब मेरे पास m की दो वैल्यूज आ रही है, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, मेरे पास यहां पर जो है m की दो वैल्यूज आ रही है, तो प्लस आ रहा है या फिर माइनस आ रहा है, तो एक काम रखो यहां पर लिख दो m की दो वैल्यूज इसके अंदर, तो ये क्या है बी एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर लिखना है तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, फिर यहां कर दो प्लस 2h, m की जगह पर अगेन प्लस माइनस 1 कर दो, और a की जगह पर a इज इक्वल टू 0, ऐसा क्यों भाई, हमको तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन ही यूज करनी है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमने यूज कर लिया, यहां पर क्या होगा, इसका हो जाएगा दैट इज ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो वही होगा, ठीक है ना, तो यहां पर ये ऐसा कैसे स्क्वायर होगा, तो सब प्लस हो जाएगा, देखो प्लस होगा तो भी प्लस होगा, माइनस होगा तो भी माइनस होगा, तो बी का बी हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 2h, ओके, और ये हो जाएगा प्लस का a इज इक्वल टू 0, तो a प्लस b को ऐसे कैसे रखो, ये जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2h। अब क्या करना है, हमको इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दो, a प्लस b का स्क्वायर कर दो, तो माइनस प्लस का स्क्वायर जब हम करेंगे बेटा, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस होगा, प्लस का करेंगे तो भी प्लस ही होगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर आपका बनता है 4h स्क्वायर, ठीक है, तो यही हमको 4h स्क्वायर चाहिए था, ये मैंने क्वेश्चन शायद गलत लिखा आपका, यस क्वेश्चन मैंने गलत लिखा, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना, और ऐसी छोटी छोटी गलतियां कभी कभी हो जाती है, मैंने पीछे देखा क्वेश्चन रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन कहीं पर मेरी स्पेलिंग एक दो जगह मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी,
है ना, ऑक्सिलरी की स्पेलिंग बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सिलरी की स्पेलिंग जगह में मुझसे गलती हो गई थी एक दो जगह पर, तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है हमको, जो क्वेश्चन देके रखे आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस से वो एंगल दे सकता है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर सकता है ना, ट्राइसेक्ट कर सकता है, ट्राइसेक्ट करेगा तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से जो भी हो, हमको एक ही इक्वेशन का देके रखा था। जब आपको एक ही इक्वेशन देके रखी है ना, तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लो, क्योंकि एक इक्वेशन की मदद से आप थीटा निकाल लोगे, आप स्लोप निकाल लोगे, स्लोप आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये कंडीशंस जब भी प्रूफ करना है, जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 4.1 खत्म होती है। अब अगली एक्सरसाइज हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे, जो कि कल हो जाएगी, आपको कल मिल जाएगी। और वो कल की जो एक्सरसाइज बड़ी सिंपल रहने वाली, क्योंकि वहां एंगल बिटवीन दी लाइन्स देके रखा है, तो एक्यूट एंगल बिटवीन दी लाइन्स देके रखा है, तो वो फटाफट हो जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 क्वेश्चन है अगले एक्सरसाइज में, और वो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा ना भैया तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और हमारा पवन नाग एकेडमी का जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर लो। जल्दी ही आपके भी क्विज चालू होंगे, अभी 10th के चल रहे हैं, इस वीक में 10th के है, अगले वीक में 9th के है, फिर आपके 11th 12th के शुरू हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक महीने में सभी को टाइम देंगे, सभी क्लासेस को। अभी तो हम मैथ्स में मैथ्स के ही क्विज लेंगे 11th 12th के, बाकी दूसरी क्लासेस के नहीं लेंगे, ठीक है ना। सैटरडे संडे में देखते हैं, उस तरह से प्लान करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन नाग एकेडमी, धन्यवाद।